सबसे पहले कि रूटीन फिक्स कर लो कि दिन भर करना क्या है। सबसे पहले सुबह जब जागो, नींद खुलेगा, रूटीन फिक्स करो कि दिन भर का मेरा काम क्या होगा। रूटीन फिक्स कर लो, उसके बाद रूटीन के अकॉर्डिंग तुम प्रतिदिन काम करो। और जैसे कि 2019 बीता, 2020 आया, तो 19 में अगर 2 घंटा पढ़ता था, 3 घंटा पढ़ता था या 4 घंटा पढ़ता था, अगर 2020 में भी अगर 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ेगा तो जितना सक्सेस 2019 में किया उतना ही सक्सेस 2020 में करे। अगर चाहता है कि उससे ज़्यादा डेवलप करे, हम उससे ज़्यादा सक्सेस करें, तो जो तुम्हारा रूटीन है, रूटीन के अनुसार ईमानदारी पूर्वक काम करो। और पहले फिक्स कर लो कि पहले 2 घंटा पढ़ते थे, अब उससे कहीं ज़्यादा पढ़ना है। यानी कि 2 घंटा पढ़ते थे, पढ़ने के बाद दिमाग में बैठ जाता है, सेट हो जाता है कि 2 घंटों को पढ़ना, ये सोच के अगर बैठते हैं पढ़ने के लिए, जैसे ही 2 घंटा होता है लगता है कि अब नहीं पढ़ेंगे। तो जब तुमको लगे कि 2 घंटा पहले पढ़ते थे, 2 घंटा अभी पढ़ लिए, ये मेरा पुराना रूटीन था, पहले के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें, यानी थोड़ा थोड़ा आधा घंटा ही सही, 1/4 घंटा ही सही, 1 घंटा ही सही, पहले से ज़्यादा कुछ पढ़ें, तभी पहले से ज़्यादा सक्सेस होगा। नहीं तो जितना 19 में सक्सेस था, जितना 19 में दिमाग तुमको इंक्रीज हुआ बढ़ा, उतने ही दिमाग रह जाएगा 20 में भी। यानी चाहता है कि पहले से कुछ ज़्यादा दिमाग इंक्रीज करे, दिमाग ज़्यादा बढ़े, तो पहले से कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा। ठीक है, तो आप पहले तो रूटीन फिक्स कीजिए कि हमको दिन भर क्या करना है, उसके बाद पहले जितना पढ़ता था उससे कुछ ज़्यादा पढ़िए। बस इस रूटीन को नियमित रूप से, सबका होता है कि रूटीन बना लेता है, 4 दिन रूटीन को फॉलो करता है, उसके बाद रूटीन गया काम से। इसलिए जब रूटीन जब चालू करना है तो तब तक रुकना नहीं जब तक फिर से 2021 नहीं आ जाता है, फिर 2021 नहीं आ जाता है। यानी 2021 तक 1 साल रूटीन के अकॉर्डिंग काम करो ईमानदारी पूर्वक, उसके बाद देखो 19 में बिना रूटीन के काम किए और 20 में रूटीन के साथ काम किए, तो पहले से हम कितना डेवलप किए, कितना इंक्रीज हुआ मेरा दिमाग पता चलेगा। तुमको लगे कि पहले से हम बेहतर किए, उस रूटीन को फिर आगे और बेहतर ढंग से फॉलो करो। आया कुछ समझ में? समझ में आ रहा है? समझाएं कुछ कि पहले जो बिना रूटीन के काम कर रहा था, अब 2020 का पहला दिन है, कल सुबह जब जागना एक रूटीन फिक्स कर लेना कि आज दिन भर हमको करना क्या है। इस प्रक्रिया को तुम 365 दिन नियमित रूप से लागू रखो, उसके बाद देखना कि हम पहले से बेहतर हुए कि नहीं हुए। पहले से तुम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाओगे, पहले से तुम बहुत ज़्यादा बेहतर हो सिर्फ एक छोटा सा रूटीन फॉलो करके। बस ये इतना ही छोटा सा जो बताएं कि रूटीन को फॉलो करना है, प्रतिदिन रूटीन लिखना, इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जब इतना ही करेगा तो तुमको लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए। बाकी तुम लोग कोचिंग करता हो, तुम लोग स्कूल में जाते हो, तुम लोग को सर जो है हमेशा प्रतिदिन गाइडलाइन करते रहते हैं, तो सर का हर बात को ध्यान से सुनो, सर का हर बात को अमल करो, तभी जो है पहले से ज़्यादा इंक्रीज होगा दिमाग, पहले से ज़्यादा डेवलप होगा दिमाग। इसलिए जो जो सर बताएं सर के अकॉर्डिंग चलो, अपना दिमाग एक्स्ट्रा दिमाग जो है नहीं लगाओ। और सबसे बड़ी चीज़ है गलत संगत से बचो, गलत संगत से बचो। अब कोई कहता है कि गलत संगत किसको बोलते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि हम गलत संगत में हैं? तो जो काम करने में तुमको डर लगे कि पापा को पता चल जाएगा, मम्मी को पता चल जाएगा, वो काम गलत है। जो काम करने में तुमको लगे कि पापा को पता चल जाएगा तो डांटेंगे, मम्मी को पता चल जाएगा तो मारेंगे, वो काम गलत है, वो काम नहीं करना, वो है गलत काम। इसलिए गलत संगत से बच गया, सही संगत अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। जो जो तो 3 गो फार्मूला बताएं उसके अकॉर्डिंग तुम काम करो, तुम जो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाओगे। 365 दिन कम से कम करके जब 1 साल, उसके बाद हम देखना। हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।